हार के बाद वेस्टइंडीज टीम में हाहाकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे क्या है पूरा मामला कि आखिर भारतीय टीम से लगातार दो वनडे में मिली हार के बाद क्यों वेस्टइंडीज की टीम में खलबली मच गई है। बताएंगे आपको पूरी खबर, लेकिन उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन कप्तान मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों अहमदाबाद में दूसरा वनडे गंवाते ही वेस्टइंडीज की टीम ने सीरीज भी गंवा दी। भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त ले ली है। भारत ने दूसरा वनडे 44 रनों से अपने नाम किया। इस हार के बाद कैरिबियाई टीम में खलबली मची है। मैच के बाद कार्यकारी कप्तान निकोलस पुरन अपनी ही टीम पर भड़क उठे, तो साथ ही टीम के नाम वनडे में एक बेहद ही घटिया रिकॉर्ड भी जुड़ गया। वेस्टइंडीज के साथ ऐसा रिकॉर्ड पहली बार गले पड़ा है। ये रिकॉर्ड क्या है और इस रिकॉर्ड का कैरिबियाई टीम पर कितना गहरा असर है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा कल के मुकाबले के नतीजे पर गौर कर लीजिए। दोस्तों भारत ने दूसरे वनडे में पहले बल्लेबाजी की थी, बल्लेबाजी कुछ खास रही नहीं, इसलिए स्कोर बोर्ड में भी बस 237 रन ही जुड़ सके। भारत ने ये स्कोर 9 विकेट गवा कर बनाए, जिसके बाद वेस्टइंडीज को जीत के लिए 238 रन का लक्ष्य मिला था। मैच का पलड़ा उसकी ओर झुका था और लग रहा था कि वो सीरीज में बराबरी कर लेंगे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के आगे उनकी बल्लेबाजी बुरी तरह से फ्लॉप रही। नतीजा ये रहा कि पूरी कैरिबियाई टीम सिर्फ 193 रन पर ढेर हो गई। दोस्तों भारत की वेस्टइंडीज पर ये ओवरऑल 31वें वनडे जीत है। इस जीत के साथ ही उसने वेस्टइंडीज को उसके घर से बाहर लगातार 10वीं हार रसीद की। वनडे क्रिकेट में कैरिबियाई टीम के साथ ऐसा पहली बार हुआ है जब उसे घर के बाहर लगातार 10 मैचों में हार मिली हो। हालांकि ये सभी 10 हार उसे भारतीय टीम ने नहीं दिए हैं, बल्कि इनमें से 4 हार की स्क्रिप्ट ही भारत ने लिखी है, जबकि उसके बाकी 6 हार के सूत्रधार बांग्लादेश और श्रीलंका बने हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों ने ही 3-3 वनडे में वेस्टइंडीज को अपने घर में हराए हैं। ये लगातार 11वीं वनडे सीरीज भी रही जिसमें भारत ने वेस्टइंडीज को मात दी। इसी के साथ उसने किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा बार वनडे सीरीज जीतने के पाकिस्तान के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को लगातार 11 वनडे सीरीज में हराया था। वही दोस्तों, इस हार के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पुरन और कैरन पोलार्ड ने अपने खिलाड़ियों पर जमकर बरसे।